हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास टेंथ में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में पोषण और श्वसन और परिसंचरण और आपको उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है, जिसमें पोषण के बारे में आप काफी कुछ जान चुके हैं कि खाने पीने की आदतों के आधार पे दो प्रकार का पोषण होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में भी मैंने आपको कई तरीके का पोषण बताया, जैसे कि आपका शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, प्राणी संपोषण होता है जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, वो मनुष्यों में और अमीबा में पाया जाता है। उसके अलावा मृतोपजीवी पोषण होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक पोषण होता है, यानी कि परजीवी पोषण। तो इन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे और अमीबा में किस तरह से भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है वो भी आप जान चुके हैं। चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वहां पे हम मनुष्यों में किस तरह से पोषण की प्रक्रिया होती है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद उसी के बारे में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, अमीबा में किस तरह से फीडिंग और डाइजेशन होता है उसके बारे में आपको जानना है। मैंने आपको बताया था कि अमीबा में जो फीडिंग और डाइजेशन होता है वो होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, या जिसको हम कह सकते हैं प्राणी संपोषण। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण, है ना। इस प्रक्रिया में क्या होता है, अमीबा आप सभी को पता है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कहाँ पे पाया जाता है? तालाब के पानी में, पडल्स में, पॉन्ड वाटर में, और उसके पास केवल एक सिंगल, मतलब एक ही सेल है। सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंड न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। आप सभी को पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने मुंह से खाना खाते हैं, है ना, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बहुत छोटे जीव जो सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में हैं, जो हमको हमारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, वो खाना अपना कैसे खाते होंगे, है ना। अमीबा एक ऐसा जंतु है जो प्राणी संपोषण दिखाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है। तो अमीबा कैसे करता है? अमीबा कॉन्स्टेंटली अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है, यानी कि अमीबा का आकार क्या होता है, अनियमित होता है। इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। मीनिंग उसका होता है फॉल्स फीट, यानी कि झूठ मूठ के पैर, उनको हम फुटपाथ कहते हैं। सीडोपोडिया जो होते हैं वो अमीबा को मूव करने में, मूवमेंट करने में और अपने फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अमीबा की संरचना आप कैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक अमीबा है जहाँ पे ये इसका फूड पार्टिकल है, है ना। उसको जब अमीबा ने सेंस किया तो सेंस करने के बाद उसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ही थोड़ा सा बढ़ करके फॉल्स फीड बना लेता है, सीडोपोडिया बना लेता है। ये क्या है? यही है सीडोपोडिया। तो ये क्या करता है, सीडोपोडिया बना करके फूड को अपने अंदर ले लेता है, है ना, और डिसॉल्व कर लेता है। अंदर लेने के बाद वो फूड वैक्यूल के अंदर जो है वो खाना चला जाता है। तो क्या होता है, व्हेन एन अमीबा सेंसेस इट्स प्रे, अपना शिकार या अपना भोजन जो भी कहेंगे, जैसे ही वो सेंस करता है कि उसके आसपास उसका भोजन है, इट पुशेस आउट इट्स सीरोपोडिया अराउंड इट्स प्रे। इस तरह से ये वाली जैसे सिचुएशन है, तुरंत अपने सीरोपोडिया को वो अपने फूड के या प्रे के आसपास कवर कर लेता है और उसके बाद उसको एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ करने के बाद कि निगल लेता है। द फूड दस गेट्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। उसके बाद जो खाना है अमीबा का वो उसके फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। और इस तरह से अमीबा जो है वो क्या क्या चीज खाता है, अमीबा फीड्स ऑन एल्गी, रोटिफर्स, प्रोटोजोअन्स एंड इवन अदर स्मॉल अमीबा। अमीबा जो है वो एल्गी को खा सकता है, रोटिफर्स को, प्रोटोजोअन्स को जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, और इवन छोटे छोटे अमीबा को भी बड़ा अमीबा खा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भोजन कैसे करता है ना,
उसके अंदर होलोजोइक, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार का होता है। तो आप बोलेंगे कि अमीबा में प्राणी संपोषण पाया जाता है, यानी कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो बात करेंगे डाइजेशन की, किस तरीके से डाइजेशन जो फूड का है अमीबा में वो होता है। हाउ डज द डाइजेशन ऑफ फूड अकर इन अमीबा, अमीबा में फूड का जो पाचन है, भोजन का पाचन अमीबा के अंदर कैसे होता है वो आपको समझना है। तो डाइजेस्टिव जूसेस सच एज अमाइलेज एंड प्रोटीएजेस आर सिक्रीटेड इनसाइड द फूड वैक्यूल। जैसे कि मनुष्य के पाचन तंत्र में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, उसी तरह से डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि एमाइलेज और प्रोटीएजेस। ये सब क्या होते हैं, ये भी अमीबा के फूड वैक्यूल के अंदर सिक्रीट होते हैं। दीज जूसेस एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। आप सभी को पता है कि डाइजेशन की प्रोसेस में एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है, जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं वो सिंपलेस्ट फूड कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं या स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिए जाते हैं, और वो प्रक्रिया करने में हेल्प कौन करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि पाचक रस। तो हम ये कह सकते हैं कि भोजन का पाचन होता है, तो मान लीजिए ये भोजन है, भोजन पर एक्ट किया है किसने, पाचक रसों ने, पाचक रसों ने एक्ट किया, और पाचक रसों के एक्ट करने के बाद जो भोजन है वो छोटे छोटे साधारण कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है, साधारण कणों में तोड़ दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम बेसिकली कहते हैं बच्चों पाचन, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पाचन, यानी कि डाइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पाचन या डाइजेशन कहते हैं। तो एमाइलेज क्या करता है, दो डाइजेस्टिव जूसेस का नाम आपको दिखाई पड़ रहा है, एक एमाइलेजेस और दूसरा प्रोटीएजेस। तो एमाइलेज क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। एमाइलेज क्या काम करता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज की उपस्थिति में साधारण ग्लूकोज में या शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाए, साधारण शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और ये प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट के पाचन की जो प्रक्रिया है वो मनुष्यों में मुंह के अंदर ही शुरू हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे क्या है, जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च को अगर हम खाते हैं तो एमाइलेज की प्रेजेंस में वो साधारण शुगर में तोड़ दिया जाता है, सिंपल ग्लूकोज में उसको तोड़ दिया जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया पाचन की शुरुआत होती है। तो जिस तरह से एमाइलेज ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर, उसी तरह से प्रोटीएजेस क्या काम करते हैं, प्रोटीएजेस का अलग काम, नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोटीएजेस जो हैं वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। प्रोटीएज जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स टू सिंपलर सब्सटेंसेस, प्रोटीन को ये साधारण कणों के रूप में तोड़ देते हैं, और उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अमीबा के शरीर के द्वारा, है ना, और उसका क्या यूज होता है,
डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब किया जाता है उससे निकलने वाले पोषक तत्व जो हैं उसको अमीबा अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए और अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है। किसके किसके लिए? वृद्धि के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए यानी कि अपने रख रखाव के लिए और अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए वो जो न्यूट्रिएंट है उसका इस्तेमाल करता है। अब बचता है वेस्ट मटेरियल, तो वेस्ट मटेरियल का क्या करता है? क्योंकि एक ही कोशिका से बना हुआ है, एक कोशिकीय जंतु है, तो एक ही कोशिका के द्वारा वो अपने सारे कामों का निपटान कर लेता है। तो बट ऑब्वियस है कि अपने एक ही कोशिका से वो वेस्ट मटेरियल को भी एक्सपेल्ड आउट कर देता है शरीर। कैसे? द वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन उसका पचा नहीं उस भोजन को वो क्या कर लेता है, उस भोजन को वो एक्सपेल्ड आउट कर देता है यानी कि उसी शरीर से, सीरोपोडिया का ही यूज करके वो शरीर से बाहर उसको रिलीज कर देता है। और इस प्रक्रिया को हम अमीबा का, अमीबा के उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। तो हम ये आप सभी ने जाना कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, उसमें डाइजेशन भी हो रहा है, उसमें एक्सक्रीशन भी हो रहा है, उसमें आपका रेस्पिरेशन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, अपने आप की ग्रोथ भी वो कर रहा है, अपने आप को मेंटेन भी वो कर रहा है। लेकिन इन सारे कामों के लिए वो कोशिका जो है उसकी एक सिंगल सेल है, वही सिंगल सेल उसके सारे कामों को परफॉर्म कर रही है। इसीलिए मैंने आपको कोशिका पढ़ाते समय 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कोशिका जो है वो अपने आप में क्या होती है, संपूर्ण होती है। कोशिका को अपने पूरे काम करने के लिए, यदि वो एक सिंगल कोशिका ही है, केवल एक कोशिकीय जीव भी है, तो अपने सारे काम वो खुद से कर सकती है, उसको किसी दूसरे कोशिका के सहारे की जरूरत नहीं होती है। यानी कि कोशिका के अंदर, इसीलिए हम कोशिका को क्या कहते हैं, कोशिका को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए हम कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक आपने पढ़ लिया है कि पोषण कितने प्रकार का होता है, आपने स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ा, विषम पोषी। स्वपोषी पोषण में मैंने आपको बताया कि दो तरीके का पोषण होता है, ऐसे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है, और ऐसा पोषण जहां पर जीव या पौधे बिना प्रकाश की उपस्थिति के आसपास मौजूद जो अकार्बनिक पदार्थ है उनसे केमिकल रिलीज करके, है ना, केमिकल सिंथेसिस के द्वारा रसायन संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेते हैं। तो स्वपोषी पोषण में भी दो प्रकार के हो गए, आपका फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। ये आपको एकदम अपने दिमाग में क्या कर लेना है, याद कर लेना है कि दो प्रकार का स्वपोषी पोषण पाया जाता है, आपका प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। अब हम बात करें यदि विषम पोषी पोषण की, तो विषम पोषी पोषण जो है ऐसा पोषण जिसमें जो जीव जंतु हैं वो डायरेक्टली पौधों पर या इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए, अपने भोजन के लिए। ठीक है, जैसे कोई यदि शाकाहारी जंतु या व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति शाकाहारी है या कोई जंतु शाकाहारी है, तो वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, किसके लिए, अपने भोजन के लिए, है ना। जैसे एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था कि ये कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बन जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं जो, अगर हम ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं, तो उसका एक ही स्रोत है जो नेचुरल तरीके से बनने की प्रोसेस है, वो यही है कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं।
और अपने यूज के बाद जितना बचता है वो स्टोर कर लेते हैं, कहीं कभी फलों के रूप में, कभी तने के रूप में, कभी जड़ के रूप में, है ना। और उसके बाद वही जीव जंतुओं को या मनुष्यों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करने को मिलता है। तो अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना करें तो भोजन की जो सुविधा है उसका इंतजाम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पौधों का होना भी जरूरी है और पौधों में हो रहे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का भी होना जरूरी है। जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल वैसी ही है, हम ये कह सकते हैं कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो आप ये कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स का यूनिवर्सल किचन है ये पेड़ पौधे, यूनिवर्सल किचन है ये पेड़ पौधे। और वहां पे जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है प्राकृतिक रूप से, वही सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। कौन? हरे पेड़ पौधे। और जीव हैं वो डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हो सकते हैं, या यदि वो जंतु उस जंतु पे निर्भर हैं जो शाकाहारी पे निर्भर है तो हम कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंडेंट हैं या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के ऊपर निर्भर हैं। तो विषम पोषी पोषण का मतलब आपको समझ में आ गया कि ऐसे जीव जंतु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर होते हैं वो आपके विषम पोषी की कैटेगरी में आते हैं। और विषम पोषी में आपको 6 प्रकार के न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया था। पहला था शाकाहारी, सभी बच्चे उसके बारे में जानते हैं, पहले ब्रीफ कर चुकी हूँ तो उसके बारे में नहीं, केवल अपने माइंड में उसको काउंट करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था मांसाहारी, ऐसे जीव जो शाकाहारी को अपना शिकार बना लेते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। उसके बाद था सर्वाहारी, ऐसे जीव जो शाकाहारी भी होते हैं और साथ साथ मांस का भी आहार कर सकते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथी कैटेगरी आपकी आई थी और वो थी मृतोपजीवी, यानी सड़ी गली वस्तुओं पर और अकार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन, जैसे मशरूम है, कवक है, ये सारे, तो ये मृतोपजीवी की कैटेगरी में आते हैं। हम बात कर रहे हैं अमीबा की, अमीबा और मनुष्य ये आते हैं प्राणी संपोषण की कैटेगरी में, या इनके अंदर पाया जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी ये पूरे के पूरे खाने को निगल करके फिर उसको पाचन करते हैं अपने शरीर में, और इस प्रक्रिया से होने वाला न्यूट्रिशन प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। और उसके बाद 6 आपका मैंने बताया था आपको परजीवी पोषण के बारे में। परजीवी पोषण का मतलब कि कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर फुल्ली डिपेंडेंट होगा, यानी पूर्ण रूप से निर्भर होगा, और इतना ज्यादा निर्भर होगा कि अगर होस्ट और गेस्ट की जो रिलेशन है उसमें, परजीवी का मतलब है कि इतना ज्यादा निर्भर होगा कि वो अपने होस्ट को ही नुकसान पहुंचाता रहेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमरबेल या कैस्कुटा, इसमें वो किसी भी स्वस्थ पौधे पर चढ़ जाती है अमरबेल की बेलें, तो वो इतनी ज्यादा परजीवी होती है। परजीवी का मतलब जो रिलेशन है उसमें जो गेस्ट है यानी कि जो बेल चढ़ रही है वो होस्ट को यानी उस पेड़ को धीरे 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 नुकसान पहुंचाती है, और इतना नुकसान पहुंचाती है कि एक समय के बाद जो होस्ट है वो नहीं रह जाता, यानी कि होस्ट की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके का पोषण जहाँ पर एक जीव दूसरे जीव के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर हो कि वो होस्ट को नुकसान पहुंचाए, है ना, और इतना नुकसान पहुंचाए कि होस्ट को वो खत्म कर दे, इस तरीके का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? परजीवी, है ना। जैसे जैसे हमारे शरीर में भी कुछ वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं जब ये हमला करते हैं, अगर ये इस तरीके से डिपेंडेंट हो जाए कि शरीर को ही खत्म कर दे, तो ऐसे पोषण को हम क्या कहेंगे? जहाँ पे होस्ट जिसके ऊपर वो जिंदा है उसी को खत्म कर दिया, तो मतलब वो होस्ट को खत्म करें, और इस तरीके का पोषण क्या कहलाएगा? परजीवी पोषण कहलाता है। और विषम पोषी पोषण में एक और पोषण था, वो था इंसेक्टिवोरस यानी कि कीट भक्षी, ऐसे पौधे जो डायरेक्टली अपना भोजन नहीं बना सकते।
बनाते हैं, कभी कभी अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो अपना भोजन भी बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कभी कभी क्या करते हैं, जैसे आपका ड्रोसोफिला है, पिचर प्लांट है, ये सब क्या करते हैं, ये वहाँ आसपास इतने आकर्षक होते हैं, इतने ज्यादा सुगंध वाले होते हैं, ऐसी स्मेल छोड़ते हैं कि कीट पतंगे उधर आकर्षित होते हैं, और जब वो उसके फ्लावर के अंदर जब जाते हैं तो वो अपना मुंह बंद कर लेता है और अंदर उसको क्या कर लेता है, डाइजेस्टिव जूसेस उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो उसको पचा लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं कीट भक्षी, यानी कीटों का भक्षण कर लेते हैं जो पौधे, वो कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। और वो क्यों कर लेते हैं, उसका रीजन ये है कि वो उनके अंदर से नाइट्रोजन की कमी को, अपने शरीर में होने वाली नाइट्रोजन की, क्योंकि पौधों को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों का भक्षण कर लेते हैं। तो यदि आपका एक क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग आंसर टाइप कि पोषण के बारे में विस्तार से बताइए, कितने प्रकार का पोषण होता है उसके बारे में बताइए, तो आपको सबसे पहले पोषण की पूरी परिभाषा लिखनी होगी। पोषण दो प्रकार का होता है, खाने पीने की आदतों के आधार पर वो आपको लिखना होगा, जिसमें आपको स्वपोषी पोषण लिखना होगा, विषम पोषी पोषण लिखना होगा। स्वपोषी में आपको दो प्रकार का लिखना होगा, एक लाइन का प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, और आपको विषम पोषी पोषण में इस तरह से 6-7 प्रकार जो मैंने आपको बताया उसके बारे में प्रोसेस करके स्टेप वाइज थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे और एग्जाम्पल, फिर एक लाइन लिखेंगे फिर एग्जाम्पल, फिर एक लाइन लिखेंगे फिर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के साथ हर प्रकार के पोषण के बारे में आपको ठीक से लिख देना है। इतना कंप्लीट करते करते आपका 3 पेज लगभग हो जाएगा और आपका क्वेश्चन तब जो है कंप्लीट माना जाएगा। तो आज की क्लास में आप सबको मैंने बताया अमीबा किस तरह से अपना शेप चेंज करता रहता है। अगर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसको मतलब ये आता ही है, इसको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, या दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछा जाए तो अमीबा में भोजन खाने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, या पूछ सकते हैं अमीबा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, ठीक है, या इन पाचक रसों के नाम पूछे जा सकते हैं। अगर उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये पाचक रसों के नाम पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि अमीबा के शरीर में अमाइलेज जो है डाइजेस्टिव जूस वो क्या काम करता है, क्या प्रोटीएजेस क्या काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है आपका जैसे कंटेंट बहुत छोटा हो लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो उससे जुड़े सारे सवाल, कोई भी आपका टॉपिक है तो टॉपिक से जुड़े सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका यह होता है बच्चों कि कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक को समझने के बाद उससे जुड़े हर क्वेश्चन को आप लिख लीजिए साथ में, ताकि एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करते समय आपको तकलीफ ना हो, मतलब याद करने में रिवाइज करने में परेशानी ना हो। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी आपको अपने पढ़ते पढ़ते साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि बाद में आपको कॉन्सेप्ट तो आता है पर उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप ट्रिकी हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का कोई फायदा आपको नहीं हो पाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझिए और साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप लाइन से लिख सकते हैं, है ना, और उसको जब समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, आपके क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड क्लियर रहेंगे और फिर एग्जाम में उसको आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, ठीक है। और अब बच्चों नेक्स्ट सेशन जो होगा उस नेक्स्ट सेशन में आपको मनुष्यों में होने वाले पाचन की प्रक्रिया के बारे में समझना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अमीबा किस तरह से अपना भोजन करता है ना, उसको हम समझ रहे थे, है ना। अमीबा क्या करता है, अमीबा ईट थ्रू देयर माउथ, बट हाउ डज अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा फीड इटसेल्फ, जो जंतु हैं वो अपने मुंह से खाना खाते हैं लेकिन अमीबा कैसे खाना खाता है ये आपको
समझ में आ गया होगा। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है या नहीं? तो बच्चों आज आपने प्राणी संपोषण के बारे में जान लिया है ना। अमीबा में पाया जाता है प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए इससे रिलेटेड तो क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं पोषण के बारे में, पोषण की परिभाषा लिखेंगे, फिर लिखेंगे पोषण के प्रकार के प्रकार, और दो प्रकार हो गए स्वपोषी और विषम पोषी, और इसके प्रकारों के बारे में आपको लिखना होगा। तो 1, 2, 3, 5, 6 के प्रकार का विषम पोषी पोषण में आप लिखेंगे, स्वपोषी में आप दो प्रकार का लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। तो कितना ये आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है जिसमें आपने पोषण के बारे में लिखा, पोषण के प्रकार के बारे में लिखा, स्वपोषी पोषण के बारे में लिखा, विषम पोषी पोषण के बारे में लिखा। ठीक है, तो ये आपका होने के बाद अमीबा, अमीबा में किस तरह से पोषण की प्रक्रिया हो रही है वो आपने जाना आज की क्लास में। आप लोग अगले सेशन में हम मनुष्यों में हो रहे पोषण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने अमीबा में किस तरह से पोषण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में जाना और समझा कि अमीबा में आपका प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। आज की क्लास में इतना ही, अगले सेशन में हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।